संरचना, हृदय की संरचना, हार्ट हृदय की संरचना, संरचना। आज मैं आपको दिल की बात बताऊंगा, ठीक है? सभी को दिल की बात पता है? नहीं, आपको दिल की बात पता होगी, ठीक है? वो दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दिल की बात कर रहा हूँ जो हमारे शरीर के अंदर होता है। लोग दिल को इस तरह से, तुम्हारे इमेजिन ये होती है कि दिल ऐसा होता है, लेकिन दिल इस तरह से नहीं होता है। दिल का स्ट्रक्चर होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि दिल का जो है वो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में ऐसा ही छुपा हुआ है कि हम इस तरह से किसी भी जगह पर बोले कि दिल की बात, तो दिल इस तरह से हमारे दिमाग में इमेजिनेशन होता है। लेकिन हृदय कैसा होता है आज हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि हार्ट जो होता है वो हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? दाएं में पाया जाता है कि बाएं में पाया जाता है? हमारे शरीर के उल्टे साइड में पाया जाता है। तो उल्टा हाथ में उसकी तरफ हमारा हार्ट जो दिल है वो पाया जाता है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, आप ध्यान से देखना किस तरह से इसका चित्र बनेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है? इस तरह से लाइन खींचना है, उसके बाद में इस तरह से जाना है आपको, ठीक है? ये करने के बाद दूसरा काम करना है आपको, यहां से एक लाइन हो, यहां से इस तरह से एक लाइन, ठीक है? अब हम इसमें इस वाले भाग को देखते हैं। अगर हम बोलते हैं कि कोई भी चीज होती है वो दो भागों में विभाजित होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? दो भागों में जो विभाजित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? विभाजन। क्या बोलते हैं? विभाजन। तो ये भी विभाजिका है, ये हार्ट को दो भागों में बांट रहे हैं, इसलिए हम यहां इसको बोलेंगे विभाजन, विभाजिका। क्या बोलते हैं इसको? विभाजिका, विभाजिका, विभाजिका। ये विभाजिका है जो हार्ट को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है? स्ट्रक्चर इस तरह से आपको बना रहा है, ये वाला, ठीक है? अब आपको पता है कि ये कौन सा भाग है? बाया। और ये कौन सा भाग है? दाया। अब एक हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं? चार, दो इधर और दो इधर, ठीक है? ये हमारा कौन सा भाग है? बाया। कौन सा है? बाया। तो इसको हम नाम देंगे बाया, और इसको हम नाम देंगे, पहले ये लिख लो तो बाया, सिर्फ बाया भाग लिख लो, और इसको लिख लो तो दाया। अब मैंने आपको बताया था, आपसे एक दिन हमने मजाक के तौर पे मुझसे बात करी थी कि सर हृदय में दो नीलेश और दो अनिल पाए जाते हैं, तो वो अनिल और नीलेश भी पाए जाते हैं। तुमने मुझे बोला था कि सर हमारे हार्ट में दो अनिल और दो नीलेश होते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये इसे ट्रिकली याद करने के लिए आपको नीले अगर याद नहीं आता है तो आप नीले को नीले से याद कर सकते हो और आलिन को आलिन से याद कर सकते हो, ठीक है? दो आलिन और दो नीले, तो हम अनिल और नीले से दोनों तरफ बाया और दाया आलिन और दाया आलिन और दाया नीले याद कर सकते हैं। तो ये माया भाग है, तो यहाँ नीचे कौन सा नीले पाया जाएगा कि आलिन पाया जाएगा? नीले। तो बाया नीले, ठीक है? और इधर बाया दाया नीले, ठीक है? दाया नीले। तो ये तो हमारे कोष्ठ हुए। अब हम बात करते हैं दाया अलिंद, बाया अलिंद की बात करते हैं, बाय अलिंद की बात करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो किस तरह से बनेगा, उसके बाद में हम इसके ऊपर चलते हैं आगे। इस तरह हृदय के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि चार कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है? कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? चार, दो आलिन और दो नीले। आलिन वाला भाग ऊपर होता है, नीले वाला भाग नीचे होता है। ये बाया भाग है और ये दाया भाग। आपको चार कोष्ठ बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें कौन से आलिन और कौन से नीले। हमेशा बाया भाग इधर होता है और दाया भाग इधर होता है। तो इसमें देखा आपने दाया आलिन है और दाया नीले है, बाया नीले, बाया नीले। अब ये काम कैसे करता है?
आप मैंने आपको पहली बात बताई थी कि शरीर के विभिन्न भागों से शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा आता है कि धमनी द्वारा शिराओं द्वारा किसके द्वारा तो याद रखना और लिखना कि अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा आकर ये जो महाशिरा है इस महाशिरा के द्वारा कहां आता है पहले दाएं अलिंद के अंदर सबसे पहले कहां आता है दाएं अलिंद के अंदर फिर त्रिवलनी क्या लिखोगे त्रिवलनी नलिका के द्वारा दाएं नले में जाता है कहां जाता है दाएं नले में जाता है यहां से महाशिरा के द्वारा आया और फिर त्रिवलनी नलिका के द्वारा कहां गया दाएं नले में ये अशुद्ध रक्त कौन सा था अशुद्ध रक्त अब क्या होगा आगे आगे बढ़ो उसको क्या लिखा है फुफ्फुशीर शिरा द्वारा कौन सा रक्त आएगा शुद्ध रक्त अब जो है शुद्ध रक्त जो है वो कहां आएगा फुफ्फुशीर शिरा द्वारा अभी इस दाएं भाग की बात हो गई कि अशुद्ध रक्त इसमें बह रहा है लेकिन आप अब शुद्ध रक्त की बात करें कि शुद्ध रक्त कहां से तो फुफ्फुशीर शिरा द्वारा ना कि इस महाशिरा के द्वारा अपन फुफ्फुशीर शिरा की बात करें तो फुफ्फुशीर शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त कहां आता है बाएं अलिंद में आएगा यहां से कोई तीर का निशान दिख रहा है आपको बाएं अलिंद में आएगा और फिर वहां पर त्रिविलनी थी यहां पर द्विविलनी है द्वि कितनी यहां पर त्रि बोला था यहां पर द्विविलनी नलिकाओं के द्वारा बाएं नीले में पहुंचता है कौन पहुंचता है शुद्ध रक्त यहां से आया और यहां पहुंचा अब क्या होता है फिर वापस दाएं नीले में चलते हैं तो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए कहा जाता है फुफ्फुसी धमनी देखो यहाँ पर तो ये यहाँ से होकर के वापस फुफ्फुसी धमनी में ये जो अशुद्ध रक्त इकट्ठा हुआ था ये यहाँ से चलकर फुफ्फुसी धमनी की तरफ जाएगा और फिर कहा जाएगा फेफड़ों में भेज दिया इसको कहाँ पर भेज दिया फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेज दिया ये अशुद्ध रक्त अब क्या होगा आगे बाएं नीले से शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा ये जो महाधमनी दिख रही है इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है मतलब यहाँ से इस हार्ट पंप की संरचना इस तरह से पहले हमने देखा कि ऊपरी भाग से महाशिरा के द्वारा विभिन्न भागों शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा इकट्ठा होकर के इसमें आया फिर वापस हमने देखा कि दाएं नीले में आया फिर ये जो अशुद्ध रक्त था फिर हमने देखा कि ये फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फुफ्फुसी शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त आया और ये फेफड़ों के द्वारा आपको मैंने बताया था किस तरह से आया तो ये प्रक्रिया वापस से शुद्ध रक्त जो है वो महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है तो इस चित्र को आपको चार पोस्ट बनाना है चार पोस्टों के नाम दो जिले दो आने याद रखना है फुफ्फुसी शिरा होता है फुफ्फुसी धमनियां महाशिरा ये होती है ना शरीर के जितने हिस्से की महाशिरा ये वाली है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हृदय का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और हृदय की संरचना आपको इस तरह से बनानी है और लिखना भी इस तरह से ठीक है।